फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर वी हंट और फ्लिन किसी चीज से डरकर भागते रहते हैं। फिर फ्लिन भागते हुए पूछता है कि डॉक्टर वो कौन सा जानवर था जो साइमन को कच्चा चबा गया। फिर दोनों फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहां डॉक्टर को एक कब्र मिलता है। फ्लिन पूछता है कि क्या हम यही ढूंढ रहे थे डॉक्टर। डॉक्टर हाँ बोलता है और साइमन को कब्र पर लिखे शब्दों को ट्रांसलेट करने को बोलता है। साइमन पढ़कर बताता है कि यहां दफन है बच्चों को चबाने वाला एक ब्लैक प्रिंस, आत्माओं का शिकारी। ये सुनकर फ्लिन हंसने लगता है। तभी फ्लिन का साथी मिकी रेडियो पर पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। तो फ्लिन बोलता है कि धीरे धीरे पिछले एक घंटे से इस कब्र को खोदे जा रहे हैं। मिकी बोलता है बॉस जल्दी कीजिए, यहाँ बहुत ठंड है। तभी डॉक्टर बोलता है कि हमें कब्र मिल चुका है, मुझे बाकी का औजार चाहिए। फ्लिन डॉक्टर की मदद करने के लिए जाता है और उधर साइमन कब्र की दीवार पर स्क्रैच करता है तो उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो पढ़ने की कोशिश करता है तभी उसकी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अब साइमन को लगता है कि गुफा के अंदर कोई है। वो झांक कर अंदर की तरफ देखता है तभी ड्रैकुला आ जाता है। वो डर कर वहां से भागता है लेकिन वो गिर जाता है और ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और साइमन का खून पीने लगता है। फ्लिन साइमन को भागने के लिए बोलता है और गोली चलाने लगता है, पर ड्रैकुला को गोली से कुछ नहीं होता। वो खून पीकर और शक्तिशाली बन जाता है और साइमन को अपने पंजे से बीचों बीच चीर डालता है। ये देखकर फ्लिन और गोली चलाने लगता है और वहाँ से फ्लिन और डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दरअसल इन लोगों ने श्रापित ड्रैकुला ब्लैक प्रिंस को उसके कब्र से जगा दिया है। अब दोनों भाग रहे हैं। अब फ्लिन मिकी और गैरी को बोलता है कि हथियार निकाल कर रखो, हम बस पहुंच रहे हैं। तभी ड्रैकुला आगे से इन दोनों को घेर लेता है। फ्लिन गोली चलाता है लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं होता। तभी फ्लिन की गोली खत्म हो जाती है। अब ड्रैकुला फ्लिन को हाथों से दबोच लेता है और उसे खाने वाला ही होता है कि वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और ड्रैकुला बिल्ली को देखकर फ्लिन को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्लिन डॉक्टर से पूछता है कि ये भाग क्यों गया डॉक्टर। डॉक्टर बताता है कि उसे बिल्ली पसंद नहीं है, बिल्लियों से उसे एलर्जी है। आसपास के लोग ड्रैकुला को परेशान करने के लिए यहाँ कई सौ बिल्लियाँ छोड़ जाते हैं। अब दोनों एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ इनके साथी पहले से होते हैं। गैरी पूछती है वहाँ क्या हुआ था। फ्लिन बताता है वहाँ एक बड़ा सा ड्रैकुला है। गैरी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता तो फ्लिन बताता है ये सच है। फिर फ्लिन गैरी से पूछता है कि हमारे पास कितने हथियार है। तो गैरी बताती है कि हमारे पास P-19 के दो बॉक्स हैं, चार मैगजीन, शॉटगन, एक गदा, 200 साल पुरानी वाइन की बोतल और थोड़ा सीप हो। तभी डॉक्टर बोलता है कि इतना काफी नहीं है, आप तालिबानियों से नहीं लड़ रहे हैं, एक प्राचीन दैत्य से लड़ रहे हैं जो की पूरी फौज खत्म करने की ताकत रखता है। तभी वहाँ ड्रैकुला दरवाजा तोड़ने लगता है। अब फ्लिन बिल्ली को ढूंढने लगता है। तभी डॉक्टर को एक नक्शा मिलता है और उसमें से एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है। अब उसे कमरे में एक खुफिया दरवाजा मिलता है। अब ये लोग कमरे में बम फिट कर देते हैं और ड्रैकुला पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं जिससे ड्रैकुला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये दरवाजा बंद करके खुफिया दरवाजे से निकल जाता है। अब ड्रैकुला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और बम धमाके से मारा जाता है। लेकिन इन धमाके की चपेट में ये लोग भी आ जाते हैं और कोई और सुरंग में निकलते हैं जहाँ चारों तरफ ड्रैकुला ही ड्रैकुला है। अब सब मारे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नई स्टोरी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।